और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया उसने मेरी पुरानी यादों को ताजा किया। बिलासपुर के मंदरी घाट तथा कुहमझवाड में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं पर उन्हें शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने पर उनका धन्यवाद किया। वहीं पर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें बिलासपुर पहुंचने पर और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है उन्हें अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वह माता बुजुर्ग और भाइयों का आशीर्वाद लेने के लिए बिलासपुर पहुंचे हैं। चार राज्यों में भाजपा को मिली भारी बहुमत से अब हिमाचल में भी भाजपा की सरकार को रिपीट किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे यहाँ मंदरी घाट में आने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया उसने मेरी पुरानी यादों को ताजा किया और बहुत दिनों से इच्छा थी कि अपनी माताएं बहनों का आशीर्वाद लूं, भाइयों का प्यार लूं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लूं। आज आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से आप मिले तो पुरानी यादें सारी ताजा हो गई। मैं बैठा बैठा याद कर रहा था, मैंने जान जी से बात करके कुछ उन यादों को ताजा भी किया। अभी हमारे सुभाष जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आए हैं। मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपके भाई के नाते, आपके बेटे के नाते नड्डा जी को जय श्री राम, आपके साथी के नाते यहाँ पर आया। और मैं याद कर रहा था पहले के दिन, पुराने दिन, शायद अब वो हमारे बीच नहीं थे, नंदाराम जी, हरिराम जी वो समय थे, शायद आप लोगों को कितनों को याद होगा, मैं यहाँ सुषमा स्वराज जी को लेकर के आया। और जब मैं उनको लेके आया था तो मैं भी मंदरी घाट का रास्ता नहीं जानता और मैं हर लोग की सड़क चढ़ाऊ उनको कि नीचे ले जाऊं मंदरी घाट जाने के लिए, इसका भी हमको अंदाजा नहीं। तो मुझे सुषमा जी ने कहा तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम इलाके के लिए नए हो, तो मैंने कहा मैं पूरी मेहनत करूंगा। और मुझे उसके बाद फिर काम करने का मौका मिला। मैं यहां बैठ के सोच रहा था कैप्टन रोशन लाल जी हमारे साथ कब से, हमारे आज धनीराम जी आज आए नहीं है लेकिन उनके बेटे सुपुत्र हमारे को मिले, हरिराम जी हुआ करते थे, हमारे तुलसीराम जी बैठे हुए हैं, रूपलाल जी का हमारे साथ विशेष प्रेम रहा है। हाँ रूपलाल जी आगे आओ भाई, रूपलाल जी, इन सब के साथ मैंने काम शुरू किया। अब तो लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि जबलियाना जाने का मतलब ऐसा समझा जाता था कि कई लोग हमको यहाँ कहते अच्छा तो तुम्हें वो ही आओ जाइए आओ तो हम फिर मिलते, तो जाना आना, फिर जबलाने को सड़क नहीं थी फिर उसको सड़क निकाल करके दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।